हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको बताएंगे हाउ टू कन्वर्ट टू रोमन काउंटिंग नंबर्स टू रोमन नंबर्स। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले क्या करना है, काउंटिंग लिख लेनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, वन मीन आई, एक आई लगा देना है और बन जाएगा वन, डबल आई लगा देना है बन जाएगा टू, ट्रिपल आई लगा देना है बन जाएगा थ्री, आई और वी ये बन जाएगा फोर, एंड ओनली फॉर वी लगाने से ये बन जाएगा फाइव, V और I लगा से बनेगा 6, V और डबल I 7, V और ट्रिपल I 8, X I और X, ठीक है, I इधर और X इधर लगा से बनेगा 9, और only for X लगा से बनेगा 10। ठीक है, इसी प्रकार ये आगे बढ़ती जाएगी और 11 में क्या आएगा, ये वाला X इधर आएगा, X और I मतलब 11, X डबल I 12, X ट्रिपल आई 13, X 1 और V, ठीक है, 1 और V ये बनेगा 14, X और V सेम वैसे आगे बढ़ती जाएगी और X और V 15, 16, 17, 18 ऐसे आगे बढ़ती जाएगी और 20 में क्या लगेगा, सिर्फ डबल X, ठीक है, 20 में डबल X लगेगा। इसके बाद सेम वैसे काउंटिंग आगे बढ़ती जाएगी, डबल X I, डबल X डबल I 21, 22, 23 सेम वैसे आगे लगाते जाना है। ठीक है, और ये आगे जब गिनती बढ़ जाएगी, काउंटिंग बढ़ती जाएगी, उसके बाद 13 में ट्रिपल एक्स आ जाएगा, सेम इसकी सेम वही की वही कंडीशन इसमें लगेगी, आई इधर लगा देना है 31 बन गया, 32 बन गया और 4 लगा देना है तो 34 बन जाएगा, और आगे 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 40 में क्या लगेगा, सिर्फ एक्स और एल यानी 40 एक्स एल, एक एक्स L I लगाएंगे 40 बन जाएगा, डबल आई लगाएंगे 42 बन जाएगा, सेम वही की वही कंडीशन, और 50 में क्या लगेगा, L ओनली फॉर L, L यानी 50 L I 51 52 सेम वही की वही कंडीशन आगे लगती जाएगी, और 60 में लगेगा L और X, L X 60 L X I 61 62 63 सेम वैसी आगे बढ़ती जाएगी, और 70 में लगेगा L और डबल X, डबल X यानी 70 L, इसके आगे एक आई लगा देंगे तो 71 72 आगे आगे सेम ऐसे बढ़ती जाएगी, और 80 में L और ट्रिपल X, L ट्रिपल X लगाने से 80 बन जाएगा, इसके आगे एक आई लगाएंगे 81, डबल आई लगा देंगे 82 बन जाएगा, ऐसे बनता जाएगा, और 90 में प्रोसीजर चेंज हो जाएगा, 90 में क्या आएगा, 90 में आएगा ओनली फॉर एक्स और सी ये बन जाएगा 90, ठीक है, एक्स सी आई लगा देंगे 90, एक्स सी डबल आई लगाएंगे 92 93 ऐसे आगे बढ़ते जाएगा, आखिर में 100 है, 100 का आएगा ओनली फॉर सी, सी में 100, सी का 100 ही आएगा और इसके लिए सिर्फ सी लगाना है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।